आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। तारीख पे तारीख और आखिर आज वो तारीख आ ही गई जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से चारा घोटाले मामले में राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है। और इसी की खुशी जो है वो आज राजद कार्यालय में हमें देखने को मिल रही है, जहां तमाम राजद परिवार जो है वो लालू प्रसाद यादव की जमानत की खबर सुनकर उत्साह में है, खुशी में है। और इसीलिए कार्यालय में ये जो आप यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और खुशी बांट रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी हैं। सर, बताएं आज जो फैसला हाईकोर्ट के से आया था, उम्मीद थी? देखिए, हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। शुरू से ही हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को न्यायालय पर, हम मेरा ही नहीं, मेरे नेता को भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसको अक्षरशः पालन करने का काम हमारे नेता ने किया। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को भरोसा था कि निश्चित तौर पर न्यायालय से न्याय मिलेगा। आज उनकी जमानत मिल गई है, इससे राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी खुशी है। पूरे देश के पैमाने पर जो आने में काफ़ी विलंब हुआ, देर ही सही, मगर उनको न्याय मिला, जिसका राष्ट्रीय जनता दल को पूरा भरोसा था। तो निश्चित तौर पे पूरे देश में खुशी की लहर है, मगर हमने कहा है कि कोरोना जैसा काल में सब लोगों को सन्मित ढंग से खुशी का इजहार करना चाहिए। सब लोगों को ये निर्देश मिला है कि कोई आतिशबाजी नहीं करे, कोई पटाखा नहीं चलाए, कोई गुलाल नहीं, रंग अबीर नहीं खेले और कोई मिठाई न बांटे। ये हम लोगों को पूरा निर्देश सभी झारखंड के लोगों को दिया है कि सन्मित ढंग से सब लोग, क्योंकि कोरोना काल में सब लोग जो है कोरोना काल से पीड़ित हैं, इस पीड़ित में खुशी का इजहार करें, मगर सादगी ढंग से। तो साफ तौर पे प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी कह रहे हैं कि लंबे समय का ही सही, लेकिन देर आए, फैसला आखिर लालू प्रसाद यादव जी के पक्ष में है और आज उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन जहां एक तरफ लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं कोरोना का काल है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह प्रदेश अध्यक्ष जी दे रहे हैं। हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बताएं, ये जो फैसला आया है, देर आए दुरुस्त आए ना? हाँ, देर आए दुरुस्त आए, चूँकि न्यायालय की प्रक्रिया होती है, न्यायालय की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जिस तरह से न्यायालय का पूरा सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो किए हैं, उनको काबिले तारीफ है, क्योंकि न्यायालय का जो भी जब भी आदेश हुआ उसको जो दृढ़तापूर्वक उन्होंने पालन किया, और उनका जो फैसला हुआ, देर हुआ दुरुस्त हुआ। और चूँकि वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दबे हुए की आवाज़ हैं, भगवान हैं, वो उसी की तरह उनका आज सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ते लड़ते वो जेल। आप लोग किस तरह खुशी मनाएंगे ये बताइए, क्योंकि कोरोना काल है, लोगों को भीड़ नहीं करना। एक तरफ तो खुशी है हमारे नेता को आने का, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का दूसरा जो लहर है, काफ़ी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग उससे मर रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, इससे हम लोग काफ़ी हतोत्साहित हैं कोरोना से। और हम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या होगा, हम लोग और इसमें क्या निर्णय होता है, किस तरह का चलेगा। तो इससे हम लोग भी काफ़ी हतोत्साहित हैं कोरोना से, इसलिए हम लोग ने पूरे राज्य में ये मैसेज दिलवा दिया है कि कोई भी किसी तरह का आतिशबाजी या अबीर, गुलाल, ढोल नगाड़ा या मिठाई ना बांटे, क्योंकि कोरोना का काल है, कोरोना में बचना है और दूसरे को बचाना है। इसी तरह हम लोग सादगी से अपने नेता का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हम लोग के बीच में जल्द ही आने वाले हैं। खुशी है, लेकिन इस खुशी को सादगी से राजद कार्यालय में मनाया जा रहा है। हमारे साथ कमलेश यादव जी भी हैं, बताएं कमलेश जी, ये खुशी का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे थे, आखिर आज वो दिन आ ही गया। न्यायालय पर हम लोग का पूर्ण भरोसा था और आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप लोग पर भी भरोसा था कि हमेशा न्याय का जीत हुआ है, सच्चाई का जीत हुआ है। और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों के लिए ही रहें, गरीबों के सदैव तत्पर रहें, गरीबों के लिए हमेशा सोचते रहें। सारे लोग दुआ कर रहे थे इस कोरोना महामारी में भी हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश रहा। रिम्स परिसर फुटबॉल ग्राउंड में लगातार 74 दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष
अभय कुमार सिंह जी, युवा अध्यक्ष रंजन यादव जी एवं तमाम प्रदेश का टीम, बल्कि हम लोग भी मौजूद थे जो गरीबों के सेवा में लगे रहे। और ये दूसरा देखिए चल पड़ा है, इस कोरोना महामारी में हम लोग को बच के रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है और गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी। कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साह में होंगे, तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नहीं मानेंगे और दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, तो क्या उनको क्या सुझाव देना? नहीं, जरूर जरूर, कोरोना महामारी में हमारे गरीबों का मसीहा आएगा, हम लोग को मिलने का मौका मिलेगा, कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, हमारे न्यायालय पर भरोसा है, अब तो हमारे बीच में आएंगे और उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और हम लोग मिलने का काम करेंगे, मिलेंगे जरूर जाएंगे, पटना यहाँ से हम लोग रांची से पटना जाएंगे, स्थिति ठीक होती है तो हम लोग जाएंगे जी। तो देखिए साफ तौर पे आज लंबे अदालती फैसले के बाद आज ये फैसला सामने आया है, जब झारखंड हाईकोर्ट ने आज लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। चारा घोटाले मामले में इनकी जमानत को कई बार खारिज किया गया, लेकिन आज वो फैसला आ गया जब उन्हें जमानत मिल गई है और इसी की खुशी की लहर जो है वो राजद कार्यालय में हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST News।